गुरमुखड़ विश्वकर्मा जी ने ना जो आप ऋग्वेद पढ़ते हैं जो वेद है ऋग्वेद ऋग्वेद जिना है विश्वकर्मा जी को ब्रह्मा जी का पुत्र मनिया गया ब्रह्मा जी के पुत्र ने जिहड़ी विश्वकर्मा जी की कहानी थोड़ा जा वो समझ लो जी ये मैं क्यों कह रहा ये मैं तां कह रहा सिखां दे गुरद्वारियां दे विच भी विश्वकर्मा मनाया जा रहा है जी तुसीं कहोगे तखली इहदे नाल की हो गया कई बार कहना ना आपां इहदे नाल की हो गया हुण समझो इहदे नाल हुंदा की है ये समझो जी। अच्छा विश्वकर्मा जी किहदे पुत्र ने ब्रह्मा जी दे पुत्र ने ये हिंदू ग्रंथ कहिंदे ने ऋग्वेद कहिंदा ये ब्रह्मा जी ने की कीता फिर दूजी गल है कीता की तो हिंदू जिहड़े ग्रंथ ने उन्हां च ये लिखिया होया जां हिंदू मानता भी है एक हिंदू भरावां दी कि विश्वकर्मा ने सूरज नूं अठवां हिस्सा छिल दिता सूरज का अठवां हिस्सा विश्वकर्मा ने छिल दिता जो छिल दिता ना जिवें आपां लकड़ नूं छिल दिंदे आ इदां जां मिट्टी नूं छिल इदां दी कहानी है छिल दिता फिर जिहड़े छिल्लड़ सी लगभग 12.5% कर लो अठवां हिस्सा 100 दा सूरज नूं 12.5% छिल दिता विश्वकर्मा जी ने फिर की कीता जिहड़े उहदे छिल्लड़ सी उहनां छिल्लड़ां दे फिर हथियार बनाए औजार बनाए उहनां छिल्लड़ां दा की बनाया हथियार बनाए ते औजार बनाए। अच्छा दूजी एक इहदे फिर होर की कीता कहन लगे जी जदों सतयुग विच सतयुग सी सतयुग दे विच विश्वकर्मा जी ने स्वर्ग नूं बनाया क्योंकि बहुत वड्डा आर्किटेक्चर भी है ना विश्वकर्मा। उस तों बाद फिर कहिंदे त्रेता युग आया फिर द्वापर युग आया जिवें जिवें युग बदलते गए फिर उन्हें रावण की लंका भी बनाई कृष्ण जी की द्वारका नगरी भी बनाई तो कलयुग के हस्तनापुर से वह भी बनाया इदां मन्ने एक कहानी है विश्वकर्मा जी की इदा इस करके जिहड़े हत्थां दा काम करन वाले सज्जन हुंदे ने वह विश्वकर्मा की पूजा करते हैं हिंदू धर्म के अंदर जिहड़े हिंदू धर्म के औजारां दा शस्त्रां दा काम करन वाले ने वह विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं। ठीक है अपना देवता मानते करनी चाहिए है इस कोई गल्ला नहीं पर जदों सिख ये गल कहे गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी इदा होवे है ना तो ढाडी बुलाए जान कथावाचक बुलाए जान क्यों बुलाए ने जी कहिंदे जी विश्वकर्मा का दिहाड़ा मना रहे हैं इदा करके कि सिख नूं ये गुरु का हुक्म है क्योंकि सिख तो असीं गुरु दे आ ना कि सिख नूं ये है इदा भी विश्वकर्मा की पूजा की जाए नहीं ना असी जप जी साहब पढ़ते हाँ रोजाना की कहिंदे ने गुरु पातशाह जी कहिंदे गुर ईश्वर गुर गोरख वर्मा गुर पार्वती माई अर्थ की है सिख दे लई ईश्वर का अर्थ है शिव वर्मा का अर्थ है ब्रह्मा जी पार्वती कहिंदे जिहड़ा गुरु का सिख है ना उहदे लई सब कुछ उहदा गुरु ही है किसी दूजे नूं पूजण की लोड़ नहीं है इक्को ही है तू एक परमात्मा की पूजा करनी है जिन्हें सारे संसार नूं बनाया तो दूजा जे तू आराधना करनी है जुड़ना बाणी नाल तो एक गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं मनना है। हाँ माड़ा नहीं कहना निंदिया नहीं करनी हर एक बंदे नूं ये आज़ादी है कि वह अपने इष्ट नूं श्रद्धा भावना दे नाल उन्हूं मन्ने उहदे वचन मन्ने पर मन लो भी आपां दिहाड़ा मना रहे हैं विश्वकर्मा जी का गुरद्वारा साहब दे विच क्योंकि मनाया गया अज बहुत थावां ते तुहाडे करनाल भी मनाया गया। अच्छा ढाडी बुला लिया उत्थे इदां जां कथावाचक बुला लिया जां कीर्तन वाला बुला लिया वह की करेगा जी फिर हुण साडा यही हुंदा ना भी जिस दा दिहाड़ा मनाया जा रहा है उहदा इतिहास सुनाया जांदा इदां असीं यही करदे आ मन लो गुरु नानक साहिब दा दिहाड़ा मना रहा है तो गल गुरु नानक साहिब पातशाह दे जीवन की होएगी गुरु अर्जन साहब दिहाड़ा मना रहा है तो गुरु अर्जन साहब पातशाह की गल होगी जदों दिहाड़ा विश्वकर्मा जी का मनाया जा रहा है फिर गल कि होएगी
सौखा या विश्वकर्मा जी की होएगी। असा की विश्व की सुनावे फिर आप विश्वकर्मा के इदा ही सुनावे ना भी देखो जी सूरज छिल लिया 12% सूरज न छिल लिया वो हथियार उजार बना दते इदा द्वारका नगरी बनाई इदा करके स्वर्ग बनाया लंका बनाई इदा करके ठीक है। पर कि गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी इस गल नूं मनदे ने कि गुरमुखो संभव है इदा कि संभव है इदा भी सूरज नूं कोई छिल लवे कोई है संभव इदा नहीं ना इदा नहीं है। इस करके गुरु घरां विच इदां दे दिन मनाउणे ये कह लो भी मनमत है गुरु की आग्या नहीं है। विश्वकर्मा की पूजा गुरु घर विच करनी ये सिद्धांत तो पासे होना है गुरु की सिक्खी तो क्योंकि गुरु पातशाह ने सिख नूं ये खास करके हुक्म किया की हुक्म किया पातशाह कहिंदे जब लग खालसा रहै नियारा तब लग तेज दिऊं मैं सारा जब ये गह विपरन की रीत मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। जो तू एक परमात्मा नूं छड्ड जाएगा जो तू एक गुरु की बाणी तो पासे हो जाएगा पातशाह कहिंदे फिर अपनी मेरी प्रतीत तेरे तो उठ जाएगी फिर मैं तेरे ते प्रतीत नहीं करनी है इदा करके इन तो ध्यान रखना। अच्छा एक एक होर पर एक भरम जहा पैदा किया जाता कहता वेखो जी रामगढ़ी सिख पूजते ने इदा भी कहा जाता भी कि नवी वरायटी है रामगढ़ी सिख इको ही हों सिख ही हों बस कला इदा तो होंगे ही नहीं भी इदा का सिख है जी इदा का सिख है जी जट सिख है जी भापा सिख है जी रामगढ़ी सिख है जी रविदासी सिख है जी इदा तो होंगे ही नहीं। सिख तो सिख है बस सिख की है सिख है बस उस तो बाद कुछ भी नहीं है। इदा करके दूजी गल जिहड़ा मैं ये नहीं कह रहा भी विश्वकर्मा दिहाड़ा क्यों मनाया जाता मंदरां दे विच मनाया जाना चाहिए उन्हां दे धर्म की गल है पर गल तां गुरद्वारियां दे विच है भी गुरद्वारे क्यों जी इत्थे तां एक परमात्मा की पूजा है दूजे की गल ही नहीं है देवतावाद की तो गल ही नहीं है इदा इदा होएगा ना। अच्छा फिर की होंदा होर समझो जे राम जिहड़ा रामगढ़ी आ ना गुरमुखो रामगढ़ी आ रामगढ़ी आ कोई जाति सूचक शब्द है ही नहीं। रामगढ़िया एक मिसल का नाम सी एक एक सिखा की मिसल सी सांगणिया मिसल उन्होंने जिहड़े पहले जिहड़े पहले होए ने ना मुखी होए ने वो सरदार खुशहाल सिंह होए ने वो तो किसान परिवार विच्चों सी जिहड़ी आपां रामगढ़िया मिसल भी मानते हैं एक रामगढ़ मिसल सी उहदे मिसल दे जिहड़े पहले मुखी सी बाबा खुशहाल सिंह वो किसान परिवार विच्चों सी दूजा मुखी बाबा आनंद सिंह सी वह भी किसान परिवार विच्चों सी तीजी थां उत्ते जस्सा सिंह आउंदे ने ते जस्सा सिंह ने जिहड़े वह फिर पंथ खालसे दे कोलों इदां सेवा मंगदे ने अमृतसर साहब की धरती ते जिथे गुरद्वारा रामसर साहब है जिथे गुरद्वारा रामसर साहब है गुरद्वारा रामसर साहब ते बाबा दीप सिंह का जो अस्थान बनया उहदे विचकार किला बनाया सी एक अमृतसर साहब की सुरक्षा दे लई किला बनाया सी गुरु रामदास साहब पातशाह दे नाम दे उत्ते उस किले का नाम रखा सी रामगढ़। राम का की अर्थ है गुरु रामदास ते गढ़ दा अर्थ है किला गुरु रामदास दे किले दा नाम रख्या रामगढ़ किला ते उहदा किले दा प्रबंध सी वो किला जिहड़ा बनाया सी वो बनाउण विच भी जस्सा सिंह वाली मिसल ने वध तों सेवा कीती सी क्योंकि जिम्मेवारी उहनां दी सी ते उस जिहड़ा किला सी उहदा प्रबंध सी जिहड़ा वो प्रबंध भी जस्सा सिंह दे कोले सी इस करके रामगढ़ किले दा फौजदार होण करके जस्सा सिंह दा नाम रामगढ़िया पै गया होर कोई जात नहीं हुंदी बरादरी नहीं हुंदी रामगढ़िया कुछ नहीं हुंदा कोई बहुत ही पुरानी गल थोड़ा है कोई ये तो आ थोड़ी समय की गल 150 साल की गल है सारी 200 साल की सारी ये रामगढ़िया कोई बरादरी नहीं है। रामगढ़ दे किले की सेवा संभाल करन वाली मिसल दे सिखां नूं रामगढ़िया सिख कहा जांदा सी
बस इन्नी इन्नी गल सी भी। इस करके ये दुगला सदा ध्यान रखना है कि कदे भी इदा नहीं कहना जी असी तो रामगढ़ीए सिख होंने हैं जी, असी तो जट सिख होंने हैं जी, इदा कदे भी नहीं होना चाहिए। सिख बस सिख है, इस तों बाद कुछ भी नहीं है। पहली गल। दूजी गल, गुरु घर दे विच जिहड़े दिहाड़े मनाने जाने चाहिए ने वो गुरु साहिबाना दे दिहाड़े, सिख शहीदां दे दिहाड़े, जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज है उन्हां बाणीकारां दे दिहाड़े, ते गुरु घर दे सिख सेवादारां दिहाड़े मनाने चाहिए ने। इस तों बाद किसी दूजे तीजे दे नहीं, कोई सत्कारयोग सारे हुंदे ने। ये गल सदा ध्यान रखनी है, ये सदा ध्यान रखना इस गल का। अज पता ये समस्या पता अस क्यों कहने इदा, उहदा कारण है अज शुरू हो गए ने मनाने, हुण साढ़े हुण 10-12 साल होए ने इदा, विश्वकर्मा तो गुरद्वारे बन गए, गुरद्वारा बाबा विश्वकर्मा जी। इत्थे तुहाडे नहीं है, मैं कई थां उत्ते विश्वकर्मा जी दे नाम ते गुरद्वारे देखे। हुण की समझावांगे जी बच्चों नूं इदा? अच्छा, 2-3 पीढ़ियां बतीत होनियां, इदा होना ना होर 100 साल बाद जो 2-3 पीढ़ियां लंघ गईयां फिर की करना जी? साढ़े बापू मनाउंदे हुंदे सी, बापूआं दा स्यापा पाया गां, पीढ़ी नूं भुगतना पैना साडियां, इदा होना है। इदा ही हुंदा है, हौली हौली कर्मकांड आउंदे ने, वह फिर हौली हौली रवायत बन जाती है, रवायत बन के छड़नी औखी हो जाती है फिर इदा। इस करके ये बहुत ही एक